लाल वाली बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं जो एमपी जेल प्रहरी की वैकेंसी आई है उसके लिए मैथ की एक वीडियो सीरीज चल रही है। तो उसका ये था फोर्थ वीडियो। तो इसमें आप देखिए, हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, जिस तरह क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन पेपर जो है आपका ये 27 जुलाई 2017 का है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है और इसमें जेल विभाग था और राज्य वन विकास निगम था और भी इसमें शामिल थे बहुत सारे। तो आप देखिए, इसमें हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं जिस तरह के आते हैं सिलेबस के अनुसार, तथा उसके जो भी ट्रिक्स होती हैं, अच्छी ट्रिक्स बताते हैं, तथा उसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं आपको बताया जाता है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दी गई लाल कलर की बटन के को दबाकर, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन अच्छे से पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मैथ का। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन जनरल मैथ, ठीक है। 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं, 20-20 नंबर टोटल क्वेश्चन पेपर, 100-100 नंबर का होता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखिए कि निर्देश दिया गया है कि संख्या श्रेणी में जो गलत पद है, श्रेणी दी हुई है संख्या श्रेणी, इसमें एक गलत पद है भी, इसमें तो उसी को निकालना है, उसी को छांटना है, ठीक है। तो इसमें गलत पद कौन सा है ये चेक करना है। तो कोई सीरीज बनती है, इस तरह के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी मिक्स कर दिए जाते हैं, तो आप नंबर सिस्टम जो ये है संख्याओं से संबंधित है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखिए कैसा दिया हुआ, 12 दिया हुआ है, 12 है, उसके बाद 11 है ना, 12, 11, 18, 45, 196, 795, ठीक। और आगे वाली संख्या क्या है, 47, 34। तो देखिए कैसी सीरीज बन रही है, आप अच्छे से वीडियो को पहले रोक के आप इसको अपने से करने का प्रयास कीजिए। जब कोई चीज़ अपने से की जाती है, करके सीखा जाता है, तो वो अच्छे से याद हो जाती है, उसका रूल माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको पहले अपने से करिए, फिर देखिए हम आपको बताते हैं इसका जो इसमें जो रूल लगा हुआ है, जो नियम लगा हुआ है, इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कौन सा रूल लगा हुआ है, अगली संख्या को ज्ञात करने के लिए एक का गुणा करके इसमें फर्स्ट वाले में क्या किया है, एक का गुणा किया है 12 में और एक माइनस किया है। 12 में एक का जब गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 और एक माइनस कर देंगे तो 11 आ गया, ठीक। अब देखिए 11 के अकॉर्डिंग, 11 में 2 का गुणा किया है और 2 माइनस किया है, 11 में क्या किया है, 11 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 22 आएगा, 22 में जब सॉरी इसमें 2 का गुणा करके 2 के स्क्वायर का माइनस किया है, क्या किया है, 2 का जो स्क्वायर होता है उसको माइनस किया है। तो देखिए अर्थात 4 माइनस किया, जब 22 में 4 माइनस कर दिया तो आपका 18 आ गया। अब क्या करेगा, थर्ड नंबर की संख्या ये, तो 3 का गुणा किया है 18 में, 3 तीसरे नंबर की संख्या है इस सीरीज में, तो 3 का गुणा करके क्या किया है, माइनस 3 का स्क्वायर किया है, माइनस 9 किया है। जब 18 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है आपका, 54, 54 में जब 9 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या हम लोग, अब चौथी संख्या है तो 4 का गुणा होगा इसमें, यहाँ जाने के लिए अगली संख्या ज्ञात करने के क्या होगा, 4 का गुणा होगा, चलिए थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं ऊपर। तो देखिए आपका यही सीरीज चल रहा है, 4 का गुणा किया है सबसे पहले और फिर 4 के स्क्वायर का माइनस, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। तो जब ये करेगा तो आपका 196 नहीं आएगा, आपकी कौन सी संख्या आएगी, 164, 196 जानिए यहाँ होना चाहिए 164, ठीक है। क्योंकि 45 में जब 4 का गुणा होगा, 45 में जब 4 का गुणा होगा तो आपका 180 हो जाएगा और उसमें जब 16 माइनस होगा तो 164 आ जाएगा। तो आपकी जो यही संख्या है, ये आपका यही गलत पद है, ठीक है, ये आपका गलत पद है, 196 जो आपका है वही गलत पद है। तो फर्स्ट नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही सीरीज चल रही है कि फर्स्ट नंबर में पहले 1 का गुणा करके 1 माइनस, दूसरी नंबर की संख्या में 2 का गुणा करके उसके स्क्वायर का माइनस, 1 के स्क्वायर का माइनस किया, तीसरे नंबर में 3 का गुणा करके 3 के स्क्वायर का माइनस, और चौथे नंबर में 4 का गुणा करके 4 के वर्ग का माइनस किया। पाँचवें नंबर में अब क्या करेगा, यहाँ 164 से आगे जाने के लिए यहाँ 5 का गुणा करेगा और माइनस 5 का स्क्वायर करेगा तो आ जाएगा 795, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, हम इसलिए आपको टाइम दे रहे हैं बताने में, इतना जल्दी नहीं कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, रटने की ज़रूरत ना पड़े,
ठीक है। तो आप नोट्स बना सकते हैं और उसको इस नियम को लिख सकते हैं। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं फ्री में। तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको इसी तरह बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए, एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 140 डिग्री का है तो उसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, एक समबहुभुज है अर्थात उसकी सभी भुजाएं समान हैं। समबहुभुज का अर्थ उसकी सभी भुजाओं की माप जो है समान है। उसके अंतः कोण, अंतः कोण का मान, एक अंतः कोण का मान 140 डिग्री है, ये देखिए, तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है ये ज्ञात करना है। तो हम आपको बता रहे हैं आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है समबहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। समबहुभुज के अंतः कोणों के सभी अंतः कोणों का योग कितना ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है 2n माइनस 4, ये n है, ठीक है, n माइनस 4 इंटू 90 अर्थात 90। 2n माइनस ऋण 4 और गुणे में क्या होगा, 90 होगा। ये होता है समबहुभुज के अंतः कोणों का योग। अर्थात अगर जो आपका बहुभुज, देखिए समझाने के लिए हम आपको बता देते हैं, आपका बहुभुज जो है वो n का मान है भुजाओं की संख्या, अगर जो 4 है तो देखिए रखिए, जब 4 हम लोग यहाँ रख देंगे तो 4 और 2 में गुणा हो जाएगा 8 माइनस 4 और गुणे में 90 है। अर्थात उस बहुभुज में अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा, 4 8 में 4 घटेगा 4 गुणे में 90 आ रहा है, कितना होता है 9 चौक 36, 360 डिग्री। अर्थात जिस बहुभुज के में भुजाओं की संख्या 4 है, ठीक है, तो उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। इसी तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं इस फॉर्मूले के माध्यम से। चलिए बताते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ये आप याद कर लीजिए फॉर्मूला। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब एक कोण का मान ज्ञात करना हो, सभी कोण बराबर हैं, समबहुभुज है अर्थात उसके सभी कोण बराबर होंगे, एक कोण का मान ज्ञात करना हो तो उसमें भुजा का भाग दे दीजिए। भुजा की संख्या कितनी, n माने है ना, तो n का भाग दे दीजिए तो केवल एक कोण का मान निकल आएगा। जैसे 4 भुजाएं हैं और 360 डिग्री टोटल उसका योग है, योग का फार्मूला ये है ऊपर वाला, तो हम भुजा का भाग दे दिए तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए आपको हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात एक कोण 90 डिग्री की। इसी तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये हमको बताने के लिए समझा रहे हैं ताकि समझ में आ जाए। तो देखिए हम कैसे करेंगे, तो एक कोण का मान आ गया, ये फार्मूला एक कोण ज्ञात करने के लिए है, ठीक, तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। तो एक कोण का मान कितना है 140 डिग्री, 140 डिग्री बराबर 2n माइनस 4 इंटू 90 अपॉन n, ठीक। अब देखिए इस वाले n जो नीचे n है वो जब इधर जाएगा तो उसका गुणा हो जाएगा 140 में, है ना, तो थोड़ा सा इरेज कर लें। अब n उधर जाएगा तो हो जाएगा 140 n, है ना, जब गुणा हो जाएगा। और इधर क्या बचेगा, इधर जब कोष्टक खोलेंगे तो 90 का अंदर गुणा होगा, सबसे पहले 2n में होगा। कोष्टक के बाहर कोई भी राशि होती है, जब उसका अंदर गुणा होता है, जितनी भी राशियां कोष्टक के अंदर होती हैं उनका सभी में गुणा होता है ना, तो 2n है, तो 2 में जब 90 का गुणा होगा तो हो जाएगा 180 और कितना बचा, n बचा, और फिर ये वाला माइनस है तो माइनस, 90 में 4 का गुणा होगा, जब 90 में 4 गुणा होता है तो कितना आता है 360 आया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, n n वाली संख्याएं एक तरफ कर लेंगे, पक्षांतर चर चर वाली, और जो अचर बची है उसको एक तरफ कर लेंगे तो हमारा n का मान आ जाएगा, और n हमारा क्या है, हमारी भुजा है, तो भुजा का ही तो मान पूछा है, तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या करना है आगे आप लोगों को, आपको भी इसको आगे सॉल्व करना है। 180 पक्षांतर करेंगे, 180n माइनस 140n इज इक्वल टू 360, है ना, इसको हम इधर ले गए, उसको इधर ले आए, 360 को उधर ले गए और 140 वाले को इधर ले आए n की तरफ, तो कितना बचेगा आपका, आपका बचेगा केवल 40n, 180 में जब 140 घटेगा तो 40n बचेगा, और ये कितना आ जाएगा 360। अब इसके बाद जब हम लोग काटेंगे तो आपका देखिए 0 से 0 कटेगा, ठीक, और इस वाले 4 से
ये 36 कटेगा 9 बार, 9 चौक 36। तो एन का मान देखिए आपके सामने आ रहा है, एन का मान कितना आ रहा है देखिए, एन का मान ये आ गया 9, अर्थात टोटल भुजाओं की संख्या कितनी है, टोटल भुजाओं की संख्या आपकी 9 है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आप कम से कम समय में, केवल ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, आप केवल देखेंगे और कर देंगे। तो आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए, इसके माध्यम से आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। केवल यही नहीं है कि ये क्वेश्चन करेंगे, हम जो भी आपको डिटेल में बता रहे हैं इस तरह से आप कम से कम 50 क्वेश्चन कर सकते हैं इस रूल से, ठीक है, और वो 50 क्वेश्चन बना भी सकते हैं इस रूल से जो एग्जामिनर एग्ज़ाम लेते हैं। तो इसका आंसर आपका 3rd नंबर होगा। तो हम प्रयास करते हैं कि आपको बेहतरीन वीडियो उपलब्ध करा सकें, तो आप हमको सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने इस वीडियो का 3rd क्वेश्चन। तो देखिए जिस टॉपिक में हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं उस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए, तभी आप मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जो ये सिलेबस है पूरा, आप क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, तो यही सिलेबस होता है जेल पुलिस और वन रक्षक का, जो भी उसका वैकेंसी आती है उसमें जो भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपसे इस तरह क्वेश्चन आने चाहिए, ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़िए, बुक से किसी बुक से प्रैक्टिस कीजिए। हम तो वीडियो में करवा देते हैं, आपको बता देते हैं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 3rd नंबर। यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है, तो सबसे पहले लिखिए ए अनुपात बी, कितना दिया हुआ है 3:3:4, और बी अनुपात सी, अनुपात में लिख लीजिए यहीं सी, ठीक है। तो सी कितना दिया, बी अनुपात सी 12:, इधर 13, ये वाला देखिए है ना, और इधर क्या दिया 3:4। तो ये जो ये जगह खाली है बगल में इसके ना, जो ये बगल, तो इसमें आपको क्या करना होता है, सबसे पहले लिख लीजिए ए अनुपात बी, उसके नीचे लिख लिए ए और बी का मान, और बी अनुपात सी इसके सामने लिख लिए इसका मान, ठीक है। अब उसके बाद जो ये जगह खाली है ना ए के नीचे 12 के बगल में, जो 12 है इसके बगल में जो खाली, वहाँ वही संख्या लिख देंगे जो यहाँ पास लिखी हुई है, 12 है ना, तो 12 लिख दिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए यहाँ 12 लिख दिए, और उसके बाद जो ये जगह खाली है 4 के बगल में सी के नीचे, वहाँ 4, अर्थात जो भी संख्या यहाँ होगी, यहाँ पास 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे, 4 के स्थान पर कोई भी संख्या होती है तो हम वो लिख देते, ठीक है। यही रूल है, इसी तरह से आपको करना है। अब एक लाइन खींच के गुणा कर दीजिए, इसका गुणा, इसमें तो ए का मान आ जाएगा, कितना हो रहा है देखिए, नहीं तो काट लीजिए जो भी कटे, या कि पहले गुणा कर लीजिए। तो गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाए, 12:36, बी के नीचे कितना, और बी वाले का गुणा कर रहे हैं 4:12:48, और सी का गुणा कर रहे हैं सी वाली संख्या का, तो 13 चौक कितना हो जाता है 52, ठीक। अब जितना भी कटे आप काट लीजिए, कितने से कट रहा है, ये कट रहा है 4 से कट रहा है, तो 4 से 3 कट जाएंगी, 9 चौक 36, ठीक, और ये कितना आ जाएगा 16 चौक 48, और ये कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पास क्या होगा, 16 नहीं होगा, यहाँ पे और 12, ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। तो 12:48 और 4 से कट रहा है, हम 3 से काटने के लिए सोच लिए थे इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अब ये कटेगा 4 से, 13:52, 13 से कट रहा है ना। अब क्या बोला है आपका, आपको बोला ए और सी, ए और सी का अनुपात होगा क्या होगा, तो ए का मान ले लीजिए और सी का मान ले लीजिए, ए का मान कितना आ रहा है 9, और सी का मान कितना आ रहा है आपका, सी का मान अब आ रहा है 13, तो 2nd नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 9 और 13। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है ना। और एक रूल और बता दें, तो उसमें आपका क्या होता है, उसमें आपका देखिए, उसमें आपको लिखना है सामने ए जो है ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया हुआ है, और बी अनुपात सी बराबर क्या दिया हुआ है 12:13, ठीक। तो आपको क्या करना है, ए का मान ज्ञात करने के लिए ऐसे गुणा कीजिए सबसे पहले, तो क्या हो जाएगा 12:36, बी का मान ज्ञात करने के लिए तिरछा गुणा करेंगे, तिर्यक, ठीक है, तिर्यक करेंगे, जैसे हम आप ये लाइन बना दिए हैं, तो अनुपात में क्या हो जाएगा 12:48। अब सी का मान निकालने के लिए इस वाली लाइन का गुणा कर लेंगे, लास्ट वाली लाइन का, तो क्या हो जाएगा
तेरह चौको 52। ठीक है, देखिए वही आगे आप काट देंगे तो आपका आ जाएगा 9:12:13, उतना ही आ रहा है। तो ये ए कमान हुआ, ये बी कमान हुआ, ये सी कमान हुआ। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आपका किस तरह स्ट्रक्चर बने, ई एन की तरह उल्टा एन, है ना, उल्टा एन बन रहा है ना। ऐसे देखिए ये जो बन रहा है उल्टा एन बन रहा है यहाँ पास, तो ये रूल भी याद कर लीजिए आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है। तो हम आपको कम ही क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन उसमें जो आपको हम समझा देते हैं तो वो ही काफ़ी होता है। उसके माध्यम से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इसी की आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास तक वो वीडियो आसानी से पहुँच जाए। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नहीं पहुँच पाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को हमारे सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।